देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें हम पूरा साइकिल पढ़ेंगे कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले तो थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लें। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट, एसेंशियल एलिमेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, नाइट्रोजन के बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट हैं, प्लस हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन के डिफरेंट नाइट्रोजन के क्या क्या रोल है हमारी बॉडी में, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? तो ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है जो कि 98% है, ये तो इनर्ट फॉर्म में है। ठीक है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए या यूजेबल बनाने के लिए हमें जो है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है ज़रूरत पड़ती है, जो कि जिनमें से कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट करते हैं इनटू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एंड सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, और कुछ नाइट्रोजन है उन कंपाउंड्स के अदर कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, और वो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हेल्प करते हैं कि वो नाइट्रोजन जो सिंपल फॉर्म में कंपाउंड सिंपल कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन बन गई है उसको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स तक पहुंचाएं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन कंज्यूम हो चुकी है, जो नाइट्रोजन वापस उसको सॉइल में मिल गई है, उसको दोबारा किस तरह से उसने जो है एटमॉस्फेयर में पहुंचाना है, यानी ये कंप्लीट साइकिल का जो होता है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जिनको हम चार ग्रुप्स में जो है डिवाइड करते हैं। वो बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर से लेते हैं नाइट्रोजन, फिर उसके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, कुछ सिंपल कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और फिर कुछ वो बैक्टीरिया जो वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फॉर्म अ मेन बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज 78% एज वेल एज बायोलॉजिकल सिस्टम। वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में अप टू 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और इस ये नाइट्रोजन के डिफरेंट नाइट्रोजीनस कंपाउंड हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है नाइट्रोजीनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्लांट्स में भी जो है नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में जो है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट है। फिर आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक इज नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट एंड इज नॉट डायरेक्टली टेकन बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द लेटर देयरफॉर डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ कंबाइंड नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर देयर ग्रोथ। लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स भी जो है उनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। दे रिक्वायर्ड कंबाइंड नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एटमॉस्फेयरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इंटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, और फिर उनको जो है प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट को नाइट्रोजन इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, तब वो प्लांट जो होते हैं उनको कंज्यूम कर पाते हैं या उसको यूज कर पाते हैं। दे ऑब्टेन नाइट्रोजिनस कंपाउंड फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू एसेंशियल बायो मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर देयर हेल्दी डेवलपमेंट। ठीक है, इन एडिशन अ पार्ट ऑफ ग्रेट रिजर्वॉयर ऑफ द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन is converted into organic form by certain free living microorganisms and by plant microorganisms association which make it available to the plants. Nitrogen is continuously entered in the air by the action of denitrifying bacteria and continuous returning of cycle through action of nitrogen fixing bacteria, lightning and industrial एटमॉस्फेयर से लेकर
नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर उसको जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम किसका है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। इसी तरह से वो नाइट्रोजन जो हमारे पास ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड या डीके मैटर से मिल गई है, उसको दोबारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पहुंचाने के लिए हमें कौन सा बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, दीज सीक्वेंस ऑफ चेंजेस फ्रॉम फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड देन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड इन टिश्यू ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल इवेंचुअली रिलीज द नाइट्रोजन बैक इन टू द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। इस पूरे साइकिल को हम, जिसमें हमारी नाइट्रोजन एटमोस्फेयर से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से होती हुई वापस एटमोस्फेयर में जा रही है, ये पूरा साइकिल हमारा जो है वो कहलाएगा नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये एक टेबल है जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस बताए हुए हैं कि किस तरह से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से होते हुए वापस एटमोस्फेयर में चली गई, तो ये एक साइकिल बताया हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑपरेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल मे बी डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स। अब ये ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन साइकिल चला रहे हैं उनको हमने चार ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर वन, पहला ग्रुप कौन सा है, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ कंबाइंड फ्री नाइट्रोजन विद अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एटमोसफेयर से नाइट्रोजन कर ले रहे हैं और उसको कंबाइंड, उसकी कंबाइंड फॉर्म बना रहे हैं या उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको हम फर्स्ट ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, यानी वो क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा या नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम ग्रुप टू में कौन से आ जाते हैं, विच ब्रिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ग्रुप टू में आ जाते हैं वो ऑर्गेनिजम जो इसी नाइट्रोजन से अमोनिया बना रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। फिर आ जाते हैं ग्रुप थ्री बैक्टीरिया। ग्रुप थ्री में ऑर्गेनिजम्स वो आ जाते हैं जो ऑक्सीडाइज कर देते हैं इस अमोनिया को इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, अब ग्रुप थ्री में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे और उसके डिफरेंट नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट कंपाउंड्स बनाएंगे, उनको हम कहेंगे इस प्रोसेस को हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। देन द फोर्थ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग दीज नाइट्रेट्स इंटू अगेन नाइट्रोजन। ठीक है, अब जो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स वगैरह बने थे उनको अगेन इनर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन में या नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजिनस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं वो ग्रुप फोर में आ जाते हैं, जिनको जिससे जिस प्रोसेस को हम डी नाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है या फर्स्ट प्रोसेस जो है जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम दे रहे हैं, दैट इज फिक्सेशन ऑफ फ्री नाइट्रोजन या फिक्सेशन ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। The conversion of molecular nitrogen to nitrogenous compound are called the organism is called biological nitrogen fixation. First group जो के atmospheric nitrogen को convert कर रहा है into their organic compound या combined form, उसे हम क्या कहें, biological nitrogen fixation या उन organisms को हम नाम दे सकते हैं nitrogen fixers। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आ जाता है दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, जिसमें हम क्या करें, जो हमारे पास कंबाइंड नाइट्रोजन है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अमोनिया। अब ये अमोनिया किस तरह से बनता है, इसके क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द एक्सक्रीटर प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच लिबरेट अमोनिया, दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होगा कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है
वहां से डेड प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स हैं या एक्सक्रीटा है, वहां पर हमारे ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करते हैं और डेड ऑर्गेनिक डेड प्लांट्स और एनिमल्स से जो है नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन निकालते हैं या नाइट्रोजिनस कंपाउंड निकालते हैं और उससे हम और उससे जो है अमोनिया बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे अमोनिफिकेशन। दिस इज टू देर आर टू स्टेप्स इन अमोनिफिकेशन। नंबर वन इज प्रोटियोलाइसिस एंड अदर वन इज अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रोटियोलाइसिस। अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम, सुडोमोनास, प्रोटियस, बैसिलस एंड अदर सॉयल एक्टिनोमाइसीट्स, मैनी फंजाई आर एक्सट्रीमली प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया, प्रोटियोलाइसिस में क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंपाउंड्स हैं जो उन्होंने डिके ऑर्गेनिक मैटर से लिया है या डिके प्लांट और एनिमल से लिए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे प्रोटीन के, ठीक है, उसको जो है उसको ब्रेक डाउन करेगा, इससे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ प्रोटीन होंगे उनकी ब्रेक डाउन होगी। ओके स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन मैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन देती हूँ। फिलहाल आप लोग हैंड हैंड डाउन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम है, सुडोमोनास है, प्रोटियस, बैसिलस, एक्टिनोमाइसीट्स एंड अदर फंजाई एक्सट्रीमली प्रोटियोलाइटिक। ओके, ये कैसे, अब लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे सिक्रीट एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स नेमली प्रोटीएसेस, ठीक है, विच कन्वर्ट द प्रोटीन टू स्मॉलर यूनिट्स विच आर देन अटैक्ड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नेमली पेप्टाइडेसेस रिजल्टिंग अल्टीमेटली इन द रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड। क्या करते हैं, लॉन्ग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। तो वो एंजाइम्स जो प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रोटीएसेस, ठीक है। अब ये प्रोटीएसेस का क्या काम होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कन्वर्ट कर देना इंटू सिंपल प्रोटीन या पेप्टाइड्स, एंड देन दिस पेप्टाइड पेप्टाइड मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर छोटे छोटे से सब यूनिट्स होते हैं, छोटे सब यूनिट्स पेप्टाइड बॉन्ड के या पेप्टाइड के क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। तो क्या होता है कि ये लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है इंटू शॉर्ट मॉलिक्यूल्स या शॉर्ट कंपाउंड्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इंटू सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड्स तोड़ता है और जो है स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स बना देता है। अच्छा जी, प्रोटियोलाइसिस में ये हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन। उसमें भी उसमें क्या होगा, जो हमारे पास प्रोटीएजेस एंजाइम्स थे उन्होंने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कराएंगे। नेक्स्ट आर दूसरे फिर एंजाइम्स होंगे दैट आर कॉल्ड पेप्टाइडेजेस, ठीक है। ये पेप्टाइडेजेस का क्या काम होगा, ये जो लॉन्ग जो स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हैं या प्रोटीन्स हैं, इनको भी ब्रेक किया जाता है, ठीक है, इनको ब्रेक किया जाता है इनटू अमाइनो एसिड, अलग अलग अमाइनो एसिड में भी, जो अमाइनो एसिड साथ में चेन बनाकर थे उन अमाइनो एसिड को भी जो है तोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइडेजेस, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड भी टूट जाते हैं और हमारे पास जो है सिंपल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आ जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि नाइट्रिफिकेशन, नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन, जिसमें अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे इंटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ मैन्योर और ऑर्गेनिक मैटर मे बी डायरेक्टली अवेलेबल इवन टू दोस प्लांट्स विच कैन यूज इट एंड फॉर इट
readily leached from the soil and is usually converted into nitrate with the help of certain microorganisms. This conversion of ammonia to nitrate is called nitrification. Nitrification is carried out in two steps by specific bacteria. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने जो अमोनिफिकेशन प्रोसेस में जो अमोनिया बना था, देन अमोनिया को जो है नाइट्राइट या नाइट्रेट कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, जो मैन्यू या ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कंज्यूम किया था, जिनको ब्रेक डाउन किया था इंटू सिंपल कंपाउंड, देन इट इज या तो वो जो नाइट्रोजन जो अमोनिया वो डिके मैटर से निकालेंगे उसको, या तो वो सॉइल में ही लीच आउट हो जाएगा, सॉइल में ही लीच आउट हो जाएगा, या फिर उसको हम क्या क्या उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं इंटू नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम. अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन. दो स्टेप्स होते हैं इसमें भी. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. सबसे पहले अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी. नाइट्रोसोमोनास आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट इन सॉइल. ठीक है, सॉइल में ये प्रोसेस हो रहा है तो वहां पर नाइट्रोसोमोनास जो होंगे वो ये ज्यादातर ये प्रोसेस कर रहे होंगे और अमोनिया की ऑक्सीडेशन कर देते हैं और उससे नाइट्राइट बनाते हैं. इनमें जो बैक्टीरिया आ जाते हैं नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोस्पायरा, नाइट्रो और नोकार्डिया और स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो क्या करते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे और उससे नाइट्राइट बना देंगे HNO2. ठीक है, इसके अलावा जो है फिर ये जो नाइट्राइट होगी उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और उससे क्या मिलेगा, हमें नाइट्रेट्स मिलेंगे और सिंपल कंपाउंड्स मिल जाएंगे. द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट इन सॉइल इज डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया बिलोंग टू जेनरा नाइट्रोबैक्टर. वो बैक्टीरिया जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट को इंटू नाइट्रेट, उनको हम नाइट्रोबैक्टर कहेंगे. और इसमें आ जाते हैं सेफालोस्पोरम, इन एडिशन सर्टेन फंजाई, सेफालोस्पोरम आ गए, एस्परगिलस पेंसिलियम हैव बीन रिपोर्टेड एबल टू कैरी आउट नाइट्रिफिकेशन. ये कुछ फंजाए हैं जो कि दिस जो कि इसमें नाइट्राइट से नाइट्रेट बना रहे हैं. नाइट्रिफिकेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय अ बायोलॉजी वॉज discovered to be a biological process by Schoolsing and Woods in 1877 and Wingrandsey isolated the bacteria responsible for biological nitrification in 1890. Excuse me, ma'am. अच्छा, ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडेशन के बाद नाइट्राइट से नाइट्रेट्स बन गए. ठीक है, अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए गए थे 1877 में एंड देन 1890 में जो है इन ऑर्गेनिजम्स को जो है डिस्कवर किया गया था, जो बैक्टीरिया जो नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं दैट आर नाइट्रोबैक्टर्स और फंजाई, कुछ तीन फंजाई या इसके अलावा भी और भी फंगस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया फॉर दिस प्रोसेस. फिर आ जाते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. ठीक है, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया में वो ऑर्गेनिजम्स या वो बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि नाइट्रेट्स को, जो हमारे पास नाइट्राइट से नाइट्रेट्स बने थे उनको अगेन नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट कर देते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. ठीक है, अब ये जो हमारे पास एंड में एंड प्रोडक्ट हमारे पास जो नाइट्रेट बना था उसको दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करना है, तो ये जो करते हैं उनको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. इस प्रोसेस को कहते हैं और इन ऑर्गेनिज्म को हम डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं. द प्रोसेस डिप्लीट्स द सॉइल ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स
ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स एंड देयर फोर इज नॉट डिजायरेबल. ठीक है, ये वो नाइट्रोजन होती है या ये वो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट्स को अब मतलब यानी कि ये एक्सक्रीटा में आ जाते हैं, या प्लांट को या एनिमल को अब इनकी जरूरत नहीं है. तो प्रोटीन या नाइट्रोजन जो है ऑर्गेनिज्म जो है एक्सक्रीट आउट भी कर रहा होता है. ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस आर थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस. ये दो स्पीशीज बताई हैं, दो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं. सम स्पीशीज ऑफ सीरेशिया, सुडोमोनास, बैसिलस, आर्किबैक्टर एंड पैराकोकस. द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन इज कंप्लीटेड बाय मीन ऑफ वेरियस स्टेप इन प्रेजेंस ऑफ रिडक्टेज एंजाइम. तो डीनाइट्रिफिकेशन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो ज्यादातर ये रिडक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिससे नाइट्रेट कंपाउंड को दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जा सकता है. अब ओवरऑल रिएक्शन पे आ जाते हैं. ओवरऑल रिएक्शन ये जो है नाइट्राइट, ये पूरा एक ओवरऑल रिएक्शन है अगर उसको उल्टा देखा जाए तो. पहले नाइट्रोजन है, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर देन नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. डीनाइट्रिफिकेशन डज नॉट अकर टू एनी सिग्निफिकेंट डिग्री इन वेल एरेटेड सॉइल विद मॉडरेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रेट एंड ऑर्गेनिक मैटर. इट अकर सीरियसली इन वाटर लॉज एंड एरोबिक सॉइल विद एन with a high organic matter. अब ये एक ओवरऑल एक रिएक्शन, एक ओवरऑल साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन गैस है, देन नाइट्रोजन गैस विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लाइटनिंग इज fixed एंड कन्वर्टेड इंटू अमोनिया एंड अमोनिया कंपाउंड एंड अमोनिया इज कन्वर्टेड इंटू nitrates and nitrites, then this nitrate and nitrites are converted by denitrifying bacteria into nitrogen again. ये nitrogen जो है दोबारा atmosphere में जो है वापस चली जाती है और ये cycle इसी तरह से continue रहता है. तो ये topic बस यहीं तक था.